समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करने वाले हैं। सर, अखिलेश जी लगातार इस बात का संदेश दे रहे हैं कि गुटबाजी बंद करिए। समाजवादी पार्टी में बहुत गुटबाजी है क्या? नहीं, बहुत गुटबाजी नहीं है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार जिले वाइज समीक्षा कर रहे हैं, लोकसभा वाइज समीक्षा कर रहे हैं। अगर उनमें कोई शिकायत कर रहा है कि हमारे यहाँ हम सीट इसलिए हार गए या संगठन इसलिए ठीक नहीं है कि गुटबाजी है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी नहीं चलेगी। सबको तालमेल बना करके भारतीय जनता पार्टी को हराना है, अच्छा संगठन बनाना है और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। एक सवाल ये था कि आप लोग समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं बड़े, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमलावर रहते हैं, कभी असुर कहते हैं, कभी कहते हैं उनका टिफिन खा जाएंगे, तो ये सब बातें क्यों करते हैं आप लोग? नहीं देखिए, हमलावर इसलिए हैं कि बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, हुई। उन्होंने कहा रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा, हुआ। उन्होंने कहा कि गैस के दाम घट जाएंगे, डीजल पेट्रोल के दाम घट जाएंगे, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बुलेट ट्रेन आ जाएगी। इनमें क्या हुआ? और अगर नहीं हुआ तो उनको हम झूठा ना कहें। जो बेटियों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं और सरकार उनको बचा रही है, उनको असुर ना कहें। गरीब का हक छीन करके टिफिन खाने वालों को क्या कहें? आप बताइए क्या कहें इनको? तो जो जैसे काम करेगा हम उसको वैसा ही बोलेंगे। ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी बहुत मेहनत कर रही है और जो कर्नाटक में तमाम बातें हुई हैं वहाँ पे वीर सावरकर का चैप्टर जो है वो हटा दिया वहाँ की सरकार ने, और इसके अलावा तमाम बातें और भी की गई हैं कि वहाँ के लिए जो कानून बनाया गया है धर्मांतरण का वो भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उससे कानून बनाकर सख्ती से निपटेंगे धर्मांतरण को लेकर। देखिए, जहाँ तक सवाल कर्नाटक का है तो वीर सावरकर जी को हटा करके किसको रखा गया है? गांधी जी को, अंबेडकर जी को। तो क्या सावरकर की तुलना गांधी और अंबेडकर से बीजेपी करना चाहती है? हम ये मानते हैं कि सावरकर क्रांतिकारी रहे होंगे, तभी जेल गए होंगे, लेकिन उस समय भी 2 तरीके के क्रांतिकारी थे। अंग्रेजी हुकूमत उन क्रांतिकारियों से पूछती थी आपको क्या चाहिए। एक तो वो लोग थे जो कहते थे भारत माता की आज़ादी चाहिए, एक सावरकर टाइप के थे जो कहते थे हमें माफ़ी चाहिए। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी जो माफ़ी मांगने वाले थे उनको वो दर्जा देना चाहती है जो फांसी का फंदा चूम गए, जिन्होंने सीने में गोली खाई, जिन्होंने पूरा जीवन जेल में काट दिया, जो भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनकी तुलना माफ़ी मांगने वालों से अगर होगी तो गलत है। मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार ने ठीक किया। इस देश को सावरकर को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इस देश को गांधी और अंबेडकर को पढ़ाने की ज़रूरत है, लोहिया को पढ़ाने की ज़रूरत है जो पढ़ाया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये था कि आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बड़े बड़े लोगों से तो जो है वो आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन छोटे लोगों को आप दरकिनार कर रहे हैं। जैसे कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके नज़दीकियाँ आजकल भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही हैं, कह रही हैं आप लोगों ने पिछड़ों के लिए कुछ किया ही नहीं। देखिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के नेता हैं, वो किसी से मिलें, किसी को अपने घर बुलाएं, ये उनका अधिकार है। लेकिन जैसे ही हम लोग सुन रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ नज़दीक हो रहे हैं तो एक सवाल खड़ा होता है, वो ओम प्रकाश राजभर जी जो लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, किसानों को सजग कर रहे थे कि बीजेपी आपका हक छीन रही है, आपका आरक्षण छीन रही है, आपके बच्चों की नौकरी छीन रही है, आपके खिलाफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही, साजिश कर रही है, आज वही आरक्षण, वही हक, वही नौकरी छीन के खाने वाले जो मोटे हो गए हैं, चौड़े हो गए हैं, लाल हो गए हैं, उनके साथ कैसे ओम प्रकाश राजभर जी बैठेंगे? ये हमारे मन में सवाल है। तो ओम प्रकाश राजभर जी बताएं कि क्या बीजेपी में जा कर के पिछड़े और दलितों की बात कर पाएंगे, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगे? तो आखिर किसको वो धोखा दे रहे हैं?
बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना सुनील साजन जी को, बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने बात कही और तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।